जय हिंद दोस्तों। अगर आपके सेट पर कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं हो रहा है तो कैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर को शो कर पाएंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मैं कॉन्टैक्ट को ओपन किया लेकिन कॉन्टैक्ट पर कोई भी कॉन्टैक्ट शो नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपका डिवाइस पर कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। आप भी घर बैठे बैठे आप उसको शो कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं रियलमी 9i 5G पर इस प्रोसेस को अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। रियलमी की कोई भी डिवाइस हो, आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकती हो। पहले होम पेज से आपको ये जो कॉन्टैक्ट है, होम पेज से कॉन्टैक्ट को ओपन करना होगा। तो पहले देखिए ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट अपडेट है क्या नहीं है। तो पहले प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको सर्च करना होगा गूगल कॉन्टैक्ट, GOOGLE गूगल कॉन्टैक्ट, CONTACT। तो पहले चेक कीजिए आपकी डिवाइस पर जो गूगल कॉन्टैक्ट है वो अपडेट है कि नहीं है। देखिए मेरा सेट पर जो गूगल कॉन्टैक्ट है ये अपडेट नहीं है, तो पहले अपडेट करना पड़ेगा। आपका डिवाइस पर सेम हो सकता है, आप पहले गूगल कॉन्टैक्ट को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो देखिए अपडेट होने के बाद मैं प्ले स्टोर से क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद देखिए मैं फिर से होम पेज से सिर्फ कॉन्टैक्ट को ओपन करूँगा। तो कॉन्टैक्ट होने के बाद देखिए इंटरफेस चेंज हो चुका है। तो मतलब मेरा डिवाइस पर कॉन्टैक्ट जो ऑप्शंस था, जो ऐप्स था, वो अपडेट नहीं था। तो देखिए अभी भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट नंबर को शो करने के लिए फिक्स एंड मैनेज, उसी पर प्रेस कीजिए। तो देखिए इधर से इनपुट फ्रॉम सिम कार्ड, अगर आपके पास सिम कार्ड है, सिम कार्ड पर कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इनपुट फ्रॉम सिम उसी पर प्रेस कीजिए। जो सिम पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ओके पर प्रेस कीजिए, उसके बाद इनपुट पर प्रेस कीजिए। तो देखिए कॉन्टैक्ट जो आप ओपन करेंगे, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है। इस तरह आप कॉन्टैक्ट को शो कर पाएंगे सिम कार्ड से। बैक करने के बाद देखिए मैं फिर से ओपन करता हूँ कॉन्टैक्ट को। कॉन्टैक्ट ओपन होने के बाद देखिए मेरा सेट पर सिम कार्ड का सभी कॉन्टैक्ट शो हो रहा है।